तो ये है नीमो विलेज और यहाँ पे है वर्ल्ड का हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट। तो भैया लेह से राफ्ट करना अलग ही बात होगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको पहले तो कैसी जगह है ये। तो इस तरह की जगह है, ये वो जगह थी जहाँ पे ये चीज़ें होती थी। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, उसके साथ में प्रॉपर राफ्टिंग का सेटअप था। ये प्लेटफॉर्म्स हैं, डस्टबिन। अरे मैं कह रहा हूँ डस्टबिन मिल गया। तो ये है संगम कैफ़े, यहाँ पे लद्दाख की दो फेमस नदियाँ आपस में मिलती हैं। काफ़ी अलग तरह का फ्लो लगता है क्योंकि ये नदी इस तरह चल रही है, उसका पानी उस तरह चल रहा है, तो यहाँ पे एक मतलब स्टैग्नेंट सी फीलिंग आती है सामने की, जैसे यहाँ पानी नहीं चल रहा है। तो उस नदी का फ्लो स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों उधर जाके मिल जाते हैं। तो इस तरह से, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इस टाइम पे जहाँ पे वर्ल्ड में राफ्टिंग कराई जाती है। अभी तो सब सुनसान है, कोविड के चक्कर में सारा टूरिज्म बिल्कुल ज़ीरो है, और हम लोग को लगा कि भाई एक बार ज़रा जाके देखें। अब एक सेंस में दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रहा, तो चांसेस कम रहते हैं कि आपको कोई इशू रहे। सो कोविड है वी नो, बट सेंसिबल होना भी बहुत ज़रूरी है इन टाइम्स में। सो एक तो हम ट्रैवल कर रहे हैं इन टाइम्स में, गाड़ी में ही सर्वाइव कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कांटेक्ट ना करें किसी से, ना मिलें, ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करें जिससे कि किसी भी तरह का कोई इशू जनरेट हो हमारे लिए। नदियाँ बड़ी फैसिनेटिंग लग रही हैं मुझे इधर की, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं क्योंकि बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है ऊपर से। देखो यार, ये पूरा पानी स्नो मेल्ट होने से आ रहा है, इतनी स्नो होती है ऊपर, और ये इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ भरी हुई हैं पानी से, और ये सारा का सारा स्नो मेल्टिंग का पानी है। तो कमाल है, ये नदियाँ पीछे भी हम लोगों ने देखी थी कारगिल के आसपास, भाई क्या करंट्स थे उनके अंदर, मतलब उछलती हुई जा रही थी नदियाँ। सोच रहे थे कि पीने वीने का पानी यहाँ से भर लें, थोड़ा सा हमारा यूज़ केस वाला पानी है वो ले लें, पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी ना पानी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, गर्मियों का मौसम आ गया लद्दाख में। तो अगर देखें तो ये दो नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं? अच्छा अच्छा ये जंस्कर और इंडस रिवर यहाँ पे मिलते हैं, इसको संगम बोलते हैं, और ये है नीमो वाला सेक्शन। सो नीमो में निम्मो बोलते हैं शायद, निम्मो में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। और वैसे पानी क्लीन होता है, पर अभी क्या है फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है पानी का, तो मिट्टी बहुत आ रही है साथ में। सो अब पीने लायक पानी तो यहाँ नहीं बचा है, पर अब पीने का पानी नहीं बचा है तो क्या करा जाए। सो थैंकफुली मैं एक ऐसी चीज़ लेके साथ आया था कि हम शायद ऐसे पानी के साथ भी सरवाइव कर सकें। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि हमें नदी में से क्या मिला। सो हमें नदी में से मिला ये, और क्लीन वाटर है ये, तो ये कंपैरिजन देख लो आप। तो अगर हमें मान लो यही पानी मिलता रहे और हमें पीना है तो क्या किया जाए। तो थैंकफुली मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ इन जगहों पे। तो अगर मैं मान लो वाटर कैरी नहीं कर रहा है, या मेरा पानी ख़त्म हो गया है, या मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, लाइफ स्ट्रॉ। सो ये बहुत फेमस है अफ्रीका में, बहुत फेमस है ये, क्योंकि वहाँ पे गड्ढों में से पानी पीते हैं लोग, बुरा हाल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला पानी, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं ये वाला पानी पीऊँगा। का लेवल है आई गेस 650 ml, तो उससे ऊपर नहीं भरना, हाँ लगभग मैक्स ही है। सो ये गया अंदर, एंड अब मैं इस पानी को पी सकता हूँ। सो मेन चीज़ है कंपैरिजन, कैसे दिखाऊँ मैं आप लोग को। तो लेट मी सी, अगर इसमें से पानी निकल के टपकता है, वैसे सक करना पड़ता है। सो ये क्योंकि बॉटल प्रेस नहीं होती तो ये पानी वैसे निकलेगा नहीं, सो मुझे सक ही करना पड़ेगा। और आप लोग को दिखाने के लिए शायद मैं एक एम्प्टी बॉटल में वो पानी अपने मुंह से डाल दूंगा, सो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे।
ये इक्विवेलेंट हो गया अभी बिल्कुल। सी तो भाई वो मिट्टी वाला पानी अब लगभग बराबर हो गया है। थोड़े से इसके अंदर मेरा स्लाइवा है तो थोड़े से इसके अंदर आपको ये झाग टाइप का दिखाई दे रहा होगा, बट बिल्कुल क्लीन पानी है, आई कैन ड्रिंक इट। तो इसको तो मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मेरे मुंह से निकला है वापस, बट लाइफ स्ट्रॉ में फिर से फिल करता हूँ और मैं उससे फटाफट से पानी पीता हूँ, स्पीति का पानी। तो ऐसे सिर्फ लाइफ स्ट्रॉ नहीं प्रोडक्ट बनाता, बट लाइफ स्ट्रॉ क्या है कि ये एक आप बोल सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्ज़रलैंड का। कोई स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, बट ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढा था तो आई थॉट कि आप लोग से शेयर करता हूँ। तो ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, अफ्रीका के लिए ये एक आप बोल सकते हो एक ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया जिससे कि वहाँ के लोग साफ़ पानी पी सकें, वो गड्ढों में से तालाब में से जहाँ से भी उनको पानी मिले वो पी सकते हैं। सारे के सारे जो वायरसेस हैं और बैक्टीरियाज हैं ये उनको फ़िल्टर कर देता है। 1000 लीटर से लोग बोलते हैं अगर इस तरह का पानी है तो ईज़िली मोर देन 1000 लीटर ये क्लीन कर सकता है। तो आप कहीं से भी पानी भर सकते हैं और कहीं से भी पानी पी सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एक्चुअली। तो मैं अब ज़रा वहाँ से पानी भरता हूँ फिर से और वो पानी पीता हूँ। ये था अपना लाइफ स्ट्रॉ, पहली ट्रिप पे मैं लेके आया हूँ इसको, एंड ये वाला मैंने पानी पिया जो कि मुझे देखने से भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, पर इसने उस पानी को ऐसा कर दिया कि मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं ये इस तरह का पानी पी रहा हूँ, बिल्कुल मिट्टी वाला। सो इस तरह हम सर्वाइव कर सकते हैं, पानी ना भी हो मैं पूरी ट्रिप करके घर जा सकता हूँ, उसके बाद मल्टीपल ट्रिप्स पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके मैनुअल ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अपने को, कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसके साथ में। तो सही है, संगम देखा, संगम में लाइफ स्ट्रॉ टेस्ट किया और अब मैं श्योर हूँ कि भाई कहीं पे भी मैं किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ और मुझे पानी की दिक्कत तो कम से कम नहीं होने वाली। ये तो नदी है, गड्ढे में से भी पानी डाल के पियेंगे तो इट कैन क्लीन इट अप। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, कीप वॉचिंग डीसीवी गाइस।